हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और मैं जो है दोबारा जो है वो यखनी बना रही हूँ कीमे की, और बहुत अच्छी थी ये यखनी जो है ना, मन्हा को भी अच्छी लगी, पसंद आई थी, साथ नूडल्स। और अपने लिए जो है मैंने आलू की भुजिया बनाई है। और थोड़ी सी रूटीन जो है ना वो डिस्टर्ब हुई हुई है। जाहिर बात है जब बच्चे जो हैं बीमार होते हैं ना, तो आपकी रूटीन ऊपर नीचे हो जाती है। और फिर जाहिर बात है बच्चे को अटेंशन चाहिए होती है, वो सारा टाइम उसको ये होता है कि मैं उसके पास रहूँ, फोर्सफुली बच्चे को खिलाना पड़ता है, बच्चे अच्छा खाते भी नहीं हैं। तो बस ऐसी चीज़ में मन्हा के लिए मैंने जो है यखनी बनाई थी। और फिर उसके बाद जो है ना लॉन्ग वीकेंड था, लॉन्ग वीकेंड पे जो है बैड लग गई थी कि इसको ये बुखार वगैरह चढ़ गया और बुखार उतर नहीं रहा था। तो फिर हम लोग जो है ना ट्यूसडे का ही वेट कर रहे थे। ट्यूसडे जब डॉक्टर के क्लिनिक ओपन हुआ है तो हम डॉक्टर के पास आए, और बस अब इसके जो है ना कुछ उसने जो है वो कुछ टेस्ट वगैरह करे थे। ज़ाहिर बात है बुखार क्यों नहीं उतर रहा, उसका रीज़न क्या है, उसके लिए ज़ाहिर बात है ब्लड वर्क होता है। तो हम यहाँ पे इसका ब्लड वर्क कराने आए थे। और फिर उसके बाद जो है ना हम जो है वो दोबारा डॉक्टर के पास आए, और फिर अब डॉक्टर जो है ना वो इसको चेक करेगी। और माशाल्लाह ये डॉक्टर इतनी अच्छी है, मन्हा का मैं आपको बताया बचपन से ही यही डॉक्टर है। और जब ये मन्हा को देख लेती है ना, मन्हा विदाउट मेडिसिन भी ठीक हो जाती है। कोई इसके हाथ में जो है शफा है क्या है। तो कभी कभी बैड लग यही होती है ना कि ये अवेलेबल नहीं होती, तो फिर ये होता है कि हमें इधर उधर कोई दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अव्वल मन्हा की तो परमानेंट डॉक्टर तो यही है, लेकिन वही ना जब ना अवेलेबल हो तो फिर हम इधर उधर जाते हैं, और फिर ज़ाहिर बात है जलील हो जाते हैं पता नहीं क्यों। और जो दूसरे डॉक्टर हैं उनसे मन्हा ठीक नहीं हो पाती। तो बहरहाल शुक्र है आज हमें जो है ना ये डॉक्टर हमारी मिल गई, और हमने इसीलिए पहले इसका सारा ब्लड वर्क कराया। और अब ये जो है ना मन्हा को फिज़िकली चेक करेगी कि क्या रीज़न है जो बुखार नहीं उतर रहा। और हसन को एक दफ़ा ऐसे ही हुआ था, पता नहीं तब तक मेरा चैनल था कि नहीं, मुझे याद नहीं है, शायद था। तो हसन को भी इसी तरह नमूनिया हो गया था। तो मन्हा का भी जो है ना, मुझे तो फर्स्ट जो इसको फीवर हुआ है ना उसमें मुझे यही शक पड़ा था कि इसको शायद नमूनिया ही है, क्योंकि नमूनिया में बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हाई फीवर जाता है। तो इसका जिस तरह था हाई फीवर ही था, और कोई सिम्टम नहीं थी, फिलहाल जस्ट हाई फीवर था। और चेस्ट भी इतनी कंजेशन नहीं थी तब तक, लेकिन जो है ना मंडे तक तो इसकी चेस्ट भी अच्छी खासी चेस्ट कंजेशन स्टार्ट हो चुकी थी। और फिर उसके बाद अभी मन्हा अपना दिखा रही है कि मेरा ब्लड वर्क हुआ है, तो इसकी चेस्ट भी जो है ना मंडे से काफ़ी ख़राब हो गई थी। लेकिन यही जो अब हम ट्यूसडे को डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर ने इसकी चेस्ट चेक की, इवन कि उसने जस्ट चेक की किया तो उसको फील हुआ कि नहीं इसका ना नहीं है सही, इसको नमूनिया ही है। और फिर उसने जो है ना थैंक गॉड जो मेडिसिन भी स्टार्ट करा दी, क्योंकि एक्सपर्ट डॉक्टर जो होते हैं ना वो वैसे ही चेक करके उनको पता चल जाता है, और ये माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट है। तो इसने शुक्र है मन्हा को मेडिसिन फ़ौरन स्टार्ट की। ये हमारी बैड लगती कि हमें मिली नहीं, अवेलेबल नहीं थी, अवेलेबल होती तो इतना लंबा इसका ना जाता ना फीवर, जो ऑलमोस्ट फोर फाइव डेज़ तो इसको कंटिन्यूसली जो फीवर रहा है, रीज़न यही थी जो नमूनिया था, जो कि डाउन नहीं हो रहा था। लेकिन अब जो है ना शुक्र है उसने जो है वो मेडिसिन दी है नमूनिया की। और फिर उसके बाद जो है चेस्ट एक्सरे है वो हम लोगों ने कराना है, वो हम कराएंगे, उसमें बाकी पता चलेगा। लेकिन उसने वैसे जो है ना वो साइन एंड सिम्टम और चेस्ट चेक करके उसने यही नमूनिया ही कहा है। तो बस हमने वही नमूनिया की मेडिसिन इसके लिए, CVS ही है, वहाँ से हम इसकी मेडिसिन लेंगे और इसको जो है ना अब नमूनिया की जो है वो स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह जो है ना इससे इसको आराम आ जाएगा। और अब हसन जो है, हसन शुक्र है सही है, हसन का वो खुद डॉक्टर भी हैरान हो रही थी, दोनों की सेम डॉक्टर है, तो हसन माशाल्लाह सही है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। इसमें ही कहीं से कोई ऐसा जो है ना वो कैच किया जर्म्स, और ये जो है ना इसको नमोनिया हो गया। तो बस आजकल तो मेरी यही रूटीन है, और मैं इसी में ही इतनी ज़्यादा जो है वो हो गई हूँ बिज़ी। और फिर ज़ाहिर पता हसन की भी टेक केयर, मन्हा के भी, और अकेले मन्हा जो है थोड़े से बच्चे जो हो जाते हैं ना वो फंसी हो जाते हैं जब कोई ना कोई बीमारी हो या कुछ हो। तो आजकल तो मेरी यही दौड़े हैं, या तो हमारी डॉक्टरों के पास है या फिर यही घर में इसके लिए खिलाना बनाना करना। तो ये आजकल हमारा जो है ना वो रूटीन चली हुई है। तो आई होप इंशाल्लाह ये जो है ना जल्दी ठीक हो जाए। मेडिसिन तो अब इसके हम स्टार्ट कर देंगे, और हसन की भी इसी तरह हमने स्टार्ट की थी तो इसको माशाल्लाह विद इन 5 डेज़ फ़र्क पड़ गया था। तो आई होप सो इसको भी विद इन 5 डेज़ जो है ना वो फ़र्क पड़ जाए और हम अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाएं।
और आपसे वही अपनी जो है नॉर्मल रूटीन फिर हम शेयर करें। आजकल तो मन्हा भी यही कह रही है कि मैंने कहीं जाना है, कहीं घूमने फिरने, तो वो ज़ाहिर पता है उसकी तबीयत नहीं ठीक, तो हम अभी उसको बिल्कुल भी नहीं लेके जा रहे, इवन के स्कूल भी नहीं जा रही। बस यही दुआ है कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो, और जो उसका स्कूल मिस हो रहा है ना वो नहीं होना चाहिए था, तो बट इंशाल्लाह हो जाएगा, वो भी सही होगी तो स्कूल जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।